दोस्तों यह है ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का 8वां सेट। जिन बच्चों को नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन क्या है, तो उन्हें मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन यूट्यूब पे अपलोड किया जाने वाला एक वीडियो का सीरीज होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, और लगे हाथ यह आपके बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोज को बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं, मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन को देखते हैं। साथ साथ यह आपको टेस्ट देने के लिए, रिवीजन के लिए और सीखने के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 12th लेवल के किसी भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए भी यह सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषाओं में मिल जाती है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हिंदी से तैयारी करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यह किस क्लास के लिए है, किस चैप्टर के लिए है और यह यूट्यूब पे कितने बजे अपलोड होता है। और अगर इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो यहाँ जो कॉर्नर पे आई बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, आपको यह पता चल जाएगा कि यह यूट्यूब पे कब से अपलोड हो रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पटना के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। यह टेस्ट सीरीज 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इस टेस्ट सीरीज में 10 माइनर टेस्ट और 15 मेजर टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि यह कहां आयोजित हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप एड्रेस पूछ लीजिए, आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। आप वहां पर आकर बिल्कुल टेस्ट सीरीज दे लीजिएगा, जिससे आपका पढ़ाई बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, पीछे का पूरा रिविजन भी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके का रेड कलर का बटन वीडियो के नीचे कहीं दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और आगे नए नए वीडियो देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा, और आप वीडियो को अगले सेट को तुरंत जल्दी जल्दी देख सकते हैं। साथ साथ में यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके यह बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और यही कहेंगे कि अगर आप इस वीडियो से सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, लेकिन पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह सीरीज अपलोड होने वाला था सैटरडे को, मतलब कि कल, लेकिन कल किसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए आज अपलोड कर रहा हूं। अगले वीक से आपको टाइमली वीडियो मिलेगा, कभी कभी लेट हो जाया करता है, कभी कभी बहुत सारी परेशानियों की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विच क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब हिंदी में मैं समझा दूं, हिंदी में यह कहा जा रहा है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है। मतलब कि आपको बताना है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो कौन सा राशि हमेशा सेम रहता है, कौन सा क्वांटिटी सेम रहता है। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जब मैं कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ता हूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से, देखिए मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़कर बता रहा हूं, जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ता हूं तो इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम होता है। यह मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन के सीरीज में बताया था, जो आपको एमडब्ल्यूएफ में आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज, उसी में मैंने बताया था कि जब कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के अलोंग, या तीन रहेगा तो तीनों के अलोंग हमेशा सेम रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा इस बात को, जब भी दो कैपेसिटर हो, तीन कैपेसिटर हो, चार कैपेसिटर हो, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे, मतलब हिंदी में कहा जाता है समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। देखिए, चार्ज अलग अलग हो सकता है, कैपेसिटेंस अलग अलग रहेगा, धारिता अलग अलग रहेगा, तो चार्ज अलग अलग हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में विभवांतर कहते हैं, और हर एक कैपेसिटर के अलोंग बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखिए, ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो पहले में कहा जा रहा है चार्ज नहीं, लेकिन ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जब दो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे, मतलब समानांतर में जोड़ेंगे, तो उसके बीच जो विभवांतर होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूं, एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन से हटकर, है क्या है कि अगर आपको बोल दे कि दो तीन कैपेसिटर को मैंने सीरीज में जोड़ा है, पैरेलल में नहीं, सीरीज में, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, तो जब मैं श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ूंगा तो कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा। तो आप लोग जिन टीचर से पढ़ रहे हैं वहां आप लोग पढ़े होंगे, वो बताए होंगे कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं, कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो उसमें सब पे चार्ज सेम आता है, मतलब आवेश सब पे सेम आता है। देखिए, अगर यहीं पे बोलता श्रेणी क्रम, यहीं पे बोलता अगर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता सही आंसर। देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ चार्ज, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा, सीरीज में जोड़ूंगा, तो सब में चार्ज
चार्ज सेम होगा, और अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो सबके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि विभवांतर सेम होगा। तो अगर आप लोग इस बात को समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, और आगे के मैं वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं, बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में सब पे चार्ज मतलब कि सब पे आवेश बिल्कुल बराबर होता है। ये मैं डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लेकिन आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर टू पे जाने से पहले मैं क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब कि आज का सवाल पूछता हूं, जिसका आंसर अगर आप लोग को पता होता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आंसर देते हैं। साथ साथ में आंसर देने से ये चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाती है, परमानेंट माइंड में चला जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे का जितना भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर पीछे के सीरीज में बताया गया होता है, इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आपको चीजें याद है तो आपको इसका आंसर भी याद होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया, बहुत ही इजी सवाल हो गया। मैंने पिछले सीरीज में ही बताया था, बिल्कुल इसी से स्टार्ट ही किया था। कहा जा रहा है कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट मतलब इसके धारिता का एसआई यूनिट क्या होगा, तो ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सही होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है थ्री कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब कहा जा रहा है कि तीन कैपेसिटर है, एक दो और तीन, इन तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, मतलब कि हिंदी में बोले तो तीन संधारित्र है जिसका धारिता अलग अलग है और उसे हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में इस तरीके से लगातार, तो चार्ज ऑन ईच आर मतलब जो सब पे जो आवेश होगा वो क्या होगा। तो देखिए तो इसका आंसर तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर वन में ही बताया कि अगर मैं कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ता हूं, मतलब कि मैं ये कह रहा हूं हिंदी में कि संधारित्र को अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो सब पर आवेश का जो मान आएगा, आवेश का जो वैल्यू आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। आप लोग इसे रट लीजिएगा, मैंने बोला कि वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप रट लीजिएगा कि अगर श्रेणी क्रम में मतलब कि सीरीज में है तो सब पे चार्ज सेम होगा, सब पे आवेश सेम होगा, और पैरेलल में मतलब कि समानांतर क्रम में है तो सबके लॉन्ग विभवांतर मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। तो देखिए कह रहा है कि इसमें चार्ज क्या होगा, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए मतलब इक्वल चार्ज इक्वल होगा। आप लोग याद रखिएगा श्रेणी क्रम का एक गुण ही होता है, ये प्रॉपर्टी होता है कि श्रेणी क्रम का प्रॉपर्टी पूछेगा, लिखने के लिए गुण पूछेगा, तो आप लोग हमेशा लिखिएगा कि सीरीज का एक गुण होता है कि चार्ज सब पे सेम होता है, चार्ज हमेशा सेम आता है। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए तो हम यही कहेंगे कि वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, ऊपर वीडियो जो देख रहे हैं लाइक बटन जो दिख रहा है उस पर जरूर लाइक कर लीजिए, और अगर वीडियो को दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं तो अभी से भी कम से कम शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचेगा, लोग देखेंगे, उतने ही लोग इस चैनल से जुड़ेंगे और हमें उतना ही वीडियो बनाने का बिल्कुल जुनून मिलेगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा जा रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड अप टू 10 वोल्ट देन पोटेंशियल एनर्जी इज, लगता है कहीं लैंग्वेज में गड़बड़ी आ गई, मतलब क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, मतलब सिंपल वे में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं फिर एक बार समझा दूं, क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी की वैल्यू 50 माइक्रोफेराड है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एनर्जी कैसे निकालते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे एमिंग हाई चैनल सर्च कर लीजिए और पीछे के सारे वीडियो को देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव तो मिल ही रहा है, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, पीछे के सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का सेट भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कैपेसिटेंस दिया है 50 माइक्रोफेराड, अगर मैं इसे पुट करूं तो मैं इसे बनाऊंगा, अगर मैं इसे एसआई में पुट करूंगा तो यहां पे माइक्रो का वैल्यू हो जाएगा 10^-6, मतलब कैपेसिटेंस मतलब धारिता की वैल्यू आ जाएगी 50×10^-6 फैराड, धारिता का वैल्यू आ जाएगा 50×10^-6 फैराड, तो ये आपको हो गया सी का वैल्यू, आपको सी पता हो गया। और आपको देखिए यहां पे दिया हुआ है वी का वैल्यू पोटेंशियल, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एनर्जी का वैल्यू यू का वैल्यू होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होता है, 1/2 × C × V² के बराबर होता है। तो आप खुद देखिए यहां से 1/2 तो आपका 1/2 हो गया, कैपेसिटेंस सी की जो वैल्यू हो गई यह हो गया आपको 50×10^-6, -6 इसीलिए क्योंकि माइक्रो में है, माइक्रो का वैल्यू होता है 10^-6, तो यहां पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा इसका कैपेसिटेंस का कितना 50×10^-6, और जो भी दिया हुआ है 10 वोल्ट उसका भी पुट कर लीजिएगा, उसको पुट करके जब वैल्यू निकालिएगा, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा कि आपका आंसर आ रहा है
2.5 × 10⁻³ जूल, मतलब कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, होगा बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर ना घर पे पुट करके देख लीजिएगा और देख लीजिएगा हाफ सी बी स्क्वायर करके, मैंने बता दिया हाफ हो गया, सी हो गया कैपेसिटेंस, मैंने बता ही दिया कि माइक्रोस बदल लेंगे फैराड में और उसको बदल के और वहां से हम लोग वैल्यू भी का पुट करके और एनर्जी निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज संडे है और आज संडे को महामुकाबला का बिल्कुल फाइनल राउंड होने जा रहा है। देखिए कौन जीतते हैं, कौन सा टीम जीतता है, कौन सा टीम हारता है। वैसे तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये फाइनल महामुकाबला फिर से आपको मार्च में लागू होगा। अगर आप लोग चाहते हैं, पटना के हैं, तो उसमें भाग ले सकते हैं, जिसके लिए कोई फी नहीं लगता है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि महामुकाबला क्या है, तो यहां कॉर्नर पे आई बटन दिख रहा है, इस पे को आपको वीडियो शो करेगा, उस पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि महामुकाबला क्या है। और इस महामुकाबला में जो विनर बनेंगे उनके संदर्भ में मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, उनका इंटरव्यू भी लूंगा, आप लोग उसका वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता चल पाएगा कि कौन विनर है, कौन विनर नहीं है और किस तरीके से वो जीते, किस तरीके से वो टॉपर बने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कॉन्स्टेंट, मतलब कि एक वियुक्त चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होता है, कौन सा अनुपात सेम होता है। तो इसके आंसर को जानने के लिए हम लोग नीचे ऑप्शन पे जाते हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है और इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल, मतलब कुल आवेश बटा विभव। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गिवन चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दिया गया आवेश बटा विभवांतर। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमेशा सेम होता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है, धारिता होता है, ये हमेशा सेम होता है और ये होता है आपको गिवन चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। किसके बराबर होता है? गिवन चार्ज, जो मैंने चार्ज दिया और पोटेंशियल डिफरेंस जो आया उस बीच में, उस दौरान में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसके बराबर होता है। अगर आप नहीं जानते कि कैपेसिटेंस क्या होता है तो आप चले जाइए, देख लीजिए सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का कैपेसिटर चैप्टर का जो छठा या सातवां सीरीज था, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कैपेसिटेंस क्या होता है। उसमें मैंने बताया था कि कैपेसिटेंस होता है जो गिवन चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए दिया हुआ है गिवन चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दिया गया आवेश बटा विभवांतर। अगर आप इसे समझ गए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, जिसका रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, मतलब कि त्रिज्या दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज, मतलब कि आपका जो पृथ्वी है, देखिए मैं यहां फिगर बना रहा हूं, आपका जो पृथ्वी है इसका त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तो बताइए किसका कैपेसिटेंस कितना होगा, धारिता कितना होगा। कैपेसिटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारिता, तो धारिता कितना होगा। देखिए हिंदी में वही लिखा हुआ है, पृथ्वी का धारिता गोलीय चालक के रूप में कितना होता है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो 4πε0 × r होता है। ये मैंने डिराइव करके बताया था कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि डिराइव कीजिए कि कैपेसिटेंस जो होता है का स्फेरिकल कंडक्टर का, वो रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। तो मैंने इसे डिराइव करके बताया था कि c का वैल्यू ये होता है। देखिए 4 तो आपको 4 हो गया, इसमें पुट कीजिएगा वैल्यू, 4 तो आपका 4 हो गया, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 5/7 या 3.14, कुछ भी पुट कर लीजिए। एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹² होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और उसके बाद रेडियस का वैल्यू पुट कर लीजिए, 6400 किलोमीटर है, इसे आप मीटर में बदल लीजिएगा तो हो जाएगा 6400 × 10³, मतलब 6400 में अगर 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में निकल जाएगा। जब सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, मैं कह रहा हूं जब सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, तो पुट करने के बाद जो आपको वैल्यू आ जाएगा 711, ध्यान दीजिएगा 711 × 10⁻¹। तो 711 × 10⁻¹ है, अब सभी को पता है कि 10⁻¹ को हम लोग बोलते हैं माइक्रो। अब सभी को पता है कि 10⁻¹ को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, मतलब इसका जो कैपेसिटेंस हो गया पृथ्वी का, ये हो गया 711 μF। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ना आपको न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को आपको न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। 2 नंबर का जो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको दे दिया रहेगा इसी तरीके से डाटा और बोलेगा कि वैल्यू निकालिए, तो इसी तरीके से आप निकालिएगा। c बराबर लिख दीजिएगा 4πε0 और पहले गिवन लिख दीजिएगा कि गिवन क्या क्या है, रेडियस 6400 किलोमीटर है, मतलब इसको बदल लीजिएगा मीटर में, तो 6400 × 10³, मतलब 6400 × 1000 कर लीजिएगा और इस तरीके से पुट पट करके निकाल लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 711 μF। इसलिए माइक्रो, क्योंकि 10⁻¹ को हम लोग माइक्रो बोलते हैं। तो ऑप्शन को देखिएगा तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाने से पहले यही कहेंगे कि अगर आप इस एमिंग हाई चैनल के वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक नहीं देखिएगा तो आपका पूरा चीज पूरा नहीं हो पाएगा, और जब पूरा नहीं होगा तो आपका अच्छा से सिलेबस मजबूत नहीं हो पाएगा, आपका अच्छा से पढ़ाई मजबूत नहीं हो पाएगा। और आशा तो यही करते हैं कि जो सोमवार आ रहा है, मतलब जो कल है, कल से मैं दिन में आपको दो वीडियो कम से कम दे सकूं, जिसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होगा, फाइव मार्क का प्रूफ भी होगा, डेरिवेशन भी होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा। लेकिन यह सब मैं तभी कर पाऊंगा जब आप लोग वीडियो को कस के लाइक कीजिएगा और दोस्तों में बिल्कुल दिल से दिल खोलकर बिल्कुल शेयर कीजिएगा। जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतना ही लोग इस चैनल से जुड़ेंगे और हम उतने ही लोगों को सिखा पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा जा रहा है, फोर कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल। मतलब कह रहा है कि आपके पास चार संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता, मतलब कैपेसिटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारिता, तो धारिता 2 माइक्रोफैराड है। तो कहा जा रहा टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड इट शुड बी कनेक्टेड इन। मतलब कह रहा कि जो दो दो का जो चार ठो है इससे 8 माइक्रोफैराड का हम लोग धारिता प्राप्त करना चाहते हैं, कैपेसिटेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसे कैसे जोड़ना चाहिए। तो आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब मैं कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ता हूं, याद कीजिए, जब पैरेलल में जोड़ता हूं तो जो कैपेसिटेंस मिलता है वो लगातार जुटकर मिलता है, और जब मैं सीरीज में जोड़ता हूं तो डिवाइड होकर मिलता है, और सीरीज में जोड़ने से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है ना, जिसे दो दो है तो दो से भी कम आएगा, सीरीज में कभी ज्यादा नहीं आता है, और पैरेलल में जब लगातार जुटता है, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 चार है, तो 2 + 2 + 2 + 2 आपको 8 हो जाएगा। मतलब कि यहां पे हमको जोड़ना चाहिए पैरेलल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वैसे मैं बता दूं कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, जब मैं पैरेलल में जोड़ता हूं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है C1 + C2 + C3 + C4 + C5 जितना भी रहे, तो यहां चार ही है तो आपको C1 + C2 + C3 + C4 हो जाएगा। तो आप ही सोचिए कि 2 + 2 + 2 + 2 हो, अगर चार बार हो जाए तो 2 = 8 हो जाएगा। मतलब कि हमको 8 प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में। देखिए इसी क्वेश्चन को आप कैसे भी घुमाएगा, इसी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी घुमाएगा, आपको बोलेगा कि जब कैपेसिटर हमारे पास बहुत सारा है और अगर हमको मैक्सिमम कैपेसिटेंस प्राप्त करना है सबसे ज्यादा, तो कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा प्राप्त करने के लिए आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं समानांतर क्रम, समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां लगातार जुट के मिलता है। और आपको बोलेगा कि मिनिमम प्राप्त करना है सबसे कम, तो आपको जोड़ना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जो इसमें लगातार जोड़ते हैं ऐसे करके एक के बाद एक के बाद एक। अब पढ़े होंगे अपने सर के यहां जहां पढ़ रहे हैं, अब पढ़े होंगे कि एक के बाद इस तरीका से अगर हम जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। और इस समय जो धारिता मिलता है वो सबसे कम मिलता है और पैरेलल में सबसे ज्यादा मिलता है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि मैक्सिमम मतलब सबसे अधिकतम धारिता हमको प्राप्त करना है तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, और जब मिनिमम प्राप्त करना है मतलब कि सबसे कम प्राप्त करना है तो उसके लिए सीरीज में जोड़ेंगे, मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। और अगर आप इस बात को समझ गए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, इन एयर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मतलब वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है। तो आप लोग को यह क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, अगर आप लोग को याद होगा तो जो सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन आता है, उस सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन में कैपेसिटर का जो पहला सेट आया था, पता नहीं याद हमको नहीं है, सेट 6 या सेट 7 था, तो सेट 7 ही होगा। तो सेट 7 में मैंने आपको बताया था, प्रूव करने वाला था कि प्रूव कीजिए कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो रेडियस के, मतलब कि त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए उसी क्वेश्चन को हम प्रूव करने के लिए कह रहा था और यहां इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, कह रहा कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आप लोग आंसर जान ही गए कि त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वैसे नहीं जानते तो मैंने ऊपर भी अभी बताया है कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर होता है तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है, उसका जो धारिता होता है सी, ये 4πε0 × r के बराबर होता है। 4πε0 × r के बराबर होता है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ε0 जो होता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी 8.85 × 10^-12 वेव कांस्टेंट। देखिए तो सी आपका रेडियस का ही प्रोपोर्शनल हो गया ना, नोन तो इसमें जो वेरिएबल रहा वो आपका r ही हो गया ना। तो यहां सब कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होगा वो आपको रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझ गए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, 2 capacitor of capacitance 1 microfarad। मतलब कि आपके पास 2 capacitor है और दोनों के दोनों का जो capacitance है, धारिता है, वो 1 microfarad है, और connected in parallel, दोनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए, मतलब कि समानांतर क्रम में, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, समानांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। अब कह रहा है कि इनमें
ऐसा जोड़ने के बाद इनमें 0.5 माइक्रो फैराड का धारिता का कैपेसिटेंस मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, तो कुल धारिता कितना होगा। मतलब ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि पहले मेरे पास दो है एक माइक्रो फैराड का, दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, समानांतर में जोड़ दिया, और जो आया उसे मैंने एक और जोड़ दिया, मैं कह रहा हूं जो आया उसे मैंने एक और जोड़ दिया, और जो जोड़ा उसे मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो कहा जा रहा है कि कुल धारिता कितना होगा, मतलब कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन तो बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, तो इसके आंसर को मैं आपको पूरे डिटेल में समझा देता हूं, न्यूमेरिकल को पूरे डिटेल में बनाकर दिखा देता हूं कि कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक माइक्रो फैराड का दो है और आपने उसे पैरेलल में जोड़ा है, मतलब कि समानांतर में जोड़ा है, तो मैं इसका फिगर बनाता हूं। तो देखिए मैं क्या करूंगा कि फिगर में दो कैपेसिटर लगाता हूं और दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ना है, बिल्कुल दोनों को हमको पैरेलल में जोड़ना है, समानांतर में जोड़ना है, मैंने दोनों को समानांतर में जोड़ दिया, और समानांतर में जोड़ने के बाद कहा जा रहा है कि आपके पास एक 0.5 माइक्रो फैराड का है, इसे आपने सीरीज में जोड़ दिया, मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, तो इसका कितना होगा, इक्विवेलेंट कितना होगा टोटल। देखिए तो इसका भी कैपेसिटेंस एक, इसका भी कैपेसिटेंस एक, और इसका हो जाएगा 0.5, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 जो सीरीज में जोड़े हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, सर से पढ़े होंगे अपने, कि अगर एक और एक को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, एक और एक को अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो दो आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल तो लगातार जुड़ता है, मैंने अभी ऊपर बताया कि जब समानांतर में जोड़ते हैं तो लगातार जुड़ता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से, तो यहां पर एक प्लस एक मिलकर आपको आ जाएगा दो, और ये जो दो आया इस दो के साथ ये 0.5 जो माइक्रोफैराड है ये आपको सीरीज में जो हो जाएगा। तो मैंने ऊपर अभी बताया या मैंने पहले क्वेश्चन भी बताया है कि आपका जो सीरीज में जो फार्मूला होता है ये होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर O1/C1 प्लस O1/C2। मैंने ऊपर बताया फार्मूला में पहले की वीडियो में O1/C1 प्लस O1/C2, तो O1/C1 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए दोनों मिलकर C1 हो गया दो का, ध्यान दीजिएगा दोनों मिलकर C1 हो गया दो का, तो O1/2 हो जाएगा, और ये आपका जो सीरीज में जुड़ा हुआ है आपको हो गया 0.5। ऐसा दो मैं इसलिए पुट कर रहा हूं ना क्योंकि ये टोटल के साथ ये दोनों से जो आया दो, एक एक का था तो दोनों से मिलकर जो दो आया, जहां मैं पेंसिल चला रहा हूं, तो ये टोटल के साथ ना आपका ये 0.5 वाला सीरीज में है, एक के साथ थोड़ी ना है, तो ये टोटल दो का हुआ, दो के साथ ये 0.5 सीरीज में है, तो 1/2 प्लस 1/0.5 करेंगे और सॉल्व कीजिएगा घर पे, जो सॉल्व होने के बाद जो आंसर आ जाएगा ना ये आपका सी इक्विवेलेंट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ये आपका सी इक्विवेलेंट नहीं होगा, ये तो आपको आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, और 1/C इक्विवेलेंट जो निकलेगा उसको पलट लीजिएगा, तो पलटने से आपको निकल जाएगा सी इक्विवेलेंट, और जो वैल्यू आ जाएगा वही कहा जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो घर पे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 0.4 माइक्रो फैराड, मतलब कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 से पहले यहां पर आपको एक मैसेज शो कर रहा है, आप इस मैसेज को वीडियो को रोककर जल्दी से पढ़ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि यह सही है तो इस पे अमल कीजिए, ये जो कह रहा है उसके बारे में सोचिए। तो 9th क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ ए ग्लास रड इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि जो संधारित्र होता है उसके प्लेट के बीच हमने क्या किया है, सीसा का छड़ को रख दिया है वहां पे, बीच में घुसा दिया है, तो कह रहा है कि इट्स कैपेसिटेंस, मतलब कि इसका जो धारिता होगा वो क्या होगा, मतलब कि बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा। तो मैंने पिछले सीरीज में आपको ये बात भी बताया था कि जब हम लोग कोई भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब कोई भी परावैद्युत सामर्थ्य का जब कोई पदार्थ हम लोग डालते हैं कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो उसका धारिता बढ़ जाता है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछता है कि ये कैसे बढ़ता है, तो उसका तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका धारिता बढ़ जाता है, आप लोग इसको बात को याद रखिएगा, और नहीं अगर आप जानते हैं तो पीछे का वीडियो पूरा का पूरा देख लीजिए ना, जाइए YouTube पे सर्च कीजिए एमिंग हाई चैनल और सर्च करके चैनल खोल लीजिए, नीचे का जितना भी सेट बन से वीडियो है, ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन, सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन, ये सारा का सारा बिल्कुल शुरू से देख लीजिए, आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कुछ अलग है, अरे भाई ये क्वेश्चंस आपके सर भी पढ़ाए होंगे लेकिन आप भूल गए हैं या आपको इंपॉर्टेंट नोट नहीं करवाए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल देख लीजिए सेट वन सेट टू सेट थ्री, अगर आप सर से बढ़िया से पढ़े हैं पूरे साल भर में, बढ़िया से दिल लगा के पढ़े हैं, तो आप इसका जरूरत न भी रहेगा, आप इस क्वेश्चन को आंसर ऐसे ही जान रहे होंगे, बना लीजिएगा, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए आप ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहेंगे कि आप टोटल वन सेट टू सेट थ्री सेट फोर टोटल देख लीजिए शुरू से लगातार बिल्कुल, तो हो सकता है तो ऑफलाइन सेव कर लीजिए, सेव करके आप देखिएगा, जैसे आपका हो वैसे देखिए, रिवीजन करते रहिए, लेकिन हमेशा सीखते रहिए और इस चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है, यहां टाइम पास नहीं होता है। देखिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीजेस, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीजेस, मतलब कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब बीच में कोई भी डायलेक्ट्रिक
डालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो दसवें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ थ्री कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब तीन आपके पास कैपेसिटर है, तीन समान धारिता का संधारित्र है, उसे हम लोग सीरीज में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, और कह रहा है कि सारे का जो कैपेसिटेंस है जोड़ने के बाद, सीरीज में जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट आया, जो तुल्य आया, वो 6 माइक्रोफराड है। मतलब कि जब तीनों को जोड़ रहे हैं जिसका इक्वल इक्वल कैपेसिटेंस है, उन तीनों को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट आता है वो आपका 6 माइक्रोफराड आता है। तो कहता है कि यदि इन्हीं को हम समानांतर में जोड़ेंगे, मतलब कि पैरेलल में जोड़ेंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो देखिए मैं इसका न्यूमेरिकल बनाकर सिखा देता हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूं कि कैसे बनाइएगा। देखिए क्या कीजिएगा ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास तीन कैपेसिटर है, आपने इससे सीरीज में जोड़ा, बिल्कुल सीरीज में जोड़ा, ऐसे करके तीनों के सीरीज में जोड़ा, और इक्विवेलेंट आया आपका 6, लेकिन कहा जा रहा है कि तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, मतलब ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया, ये भी सी हो गया। और आपको अभी मैंने बताया है कि जो इसमें आपका सी इक्विवेलेंट होता है सीरीज में, ये हो जाता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो C1 भी सी हो गया, C2 भी सी हो गया, 1/C हो गया, और आपका जो C3 1/C3 होगा ये भी सी हो जाएगा, और आपको सी इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई है 6। जो आप यहाँ 6 पुट कीजिएगा तो देखिए इधर आ जाएगा 1/6, इधर 1/C + 1/C + 1/C, तीन बार जुटेगा तो आपको आ जाएगा 3/C, मतलब 1/C + 1/C + 1/C इस साइड आपको आ जाएगा 3/C, इधर आपको बचा 1/6, मतलब कि 3/C = 1/6 आएगा। तो आप खुद सोचिए कि यहां से जब सॉल्व कीजिएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो 6 × 3 = 18 आ जाएगा, मतलब कि 18 माइक्रोफराड आ जाएगा। तो आपका यह आंसर नहीं हुआ, यह तो सी निकला अकेले अकेले, किसका कितना होगा, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, मतलब कि तीनों जो होगा वो 18 18 18 का होगा। अब कह रहा है कि इन तीनों को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, मतलब कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो कितना आएगा कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, यह कहा जा रहा है। तो अभी मैंने ऊपर में ही बताया कि जब पैरेलल में जोड़ूंगा तो वहां सीधा जुड़ता है कैपेसिटेंस, ऐसे C1 + C2 + C3, तभी आपको पता है कि तीनों के तीनों जो 18 18 का है, तीनों के तीनों 18 18 का है, तो ये भी आपका 18, ये भी आपका 18, ये भी 18, तो 18 18 18 जोड़ने पर आपको आ जाएगा 54 माइक्रोफैराड, मतलब कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 54 माइक्रोफैराड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप लोग इस बात को समझ गए तो वहीं कहेंगे कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि चैनल से कुछ सीख रहे हैं या काम का चीज है वीडियो को लाइक कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण यह चैनल 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर बताइए। मिलते हैं कल सोमवार को अगले सीरीज में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और यही कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग बिल्कुल बेहतरीन मार्क लाइए, बहुत ही अच्छा मार्क लाइए।